हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। पारस डिफेंस का जो नेक्स्ट वीक में IPO आ रहा है, ठीक है, उसका मैं कस्टमर बेस आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब उसका कस्टमर बेस कौन कौन सी कंपनीज जो है उनके क्लाइंट्स बेसिकली हैं। तो ये तीन सेगमेंट में इनका कस्टमर बेस डिवाइडेड है, एक है गवर्नमेंट, एक है इंडियन प्राइवेट कंपनीज और एक इंटरनेशनल। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े बड़े नाम जो है, जैसे इसरो हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, भारत डायनेमिक्स हो गया, ठीक है, HAL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, उसके बाद गोवा शिपयार्ड, उसके बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, उसके बाद अगर आप देखें तो ये समीर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिज़िक्स है, मेजागन डॉक है, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत अच्छा क्लाइंट बेस है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में है, कोचिन शिपयार्ड हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इंडियन प्राइवेट कंपनीज़ का जो इसका कस्टमर का बेस है वो कौन कौन सा है, एक तो अल्फा डिज़ाइन हो गया, नेक्स्ट इज़ गोदरेज, नेक्स्ट इज़ किर्लोस्कर, देन L&T, देन TCS, देन सोलर इंडस्ट्रीज़, देन टाटा पावर, देन MKU, देन प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड, देन एस्ट्रा रिफाल लिमिटेड, ओके। और अगर इंटरनेशनल इनके क्लाइंट्स की बात करें तो इंटरनेशनल में भी इनका जो क्लाइंट का बेस है वो बहुत अच्छा है, जैसे कि एक ये रफाल है, ठीक है, एल्बिट सिस्टम है, ठीक है, उसके बाद सेफरेन है, उसके बाद चैबेन ग्रुप है, देन L3 मैप्स है, देन TAE यंग ऑप्टिक्स है, ये जैपनीज कंपनी है। तो ये बेसिकली बहुत अच्छा इनका क्लाइंट बेस है। तो मतलब अगर आप इसमें देखें तो इसकी काफ़ी अच्छी मोनोपोली भी है इस पर्टिकुलर कंपनी की। तो बिंदास आप अपने सारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके इंडिविजुअल अकाउंट से इस IPO में अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।